गुरु साथ हो जाएगा आगे क्या बात दुख है? में संकट में विपत में सोच में चिंता में भी नाम का सुमिरन सदा हो नाम का अनुमान हो ज्ञान किसका नाम वो नाम क्या है वो हमारा घर है वो राधा स्वामी है ये दुनिया मेरी नहीं है यही तो कहा गया दाता दयाल ने ये तो नहीं देश तेरा देश है बेगाना यहाँ सब गाने वैसे कोई नहीं जगाना गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया संत मत धर ही तज मोह माया क्या ख्यालों की दुनिया से मोह मत करो अपने विचारों के साथ प्यार मत करो विचार आएंगे जाएंगे तुम विचार से बंध जाओगे तो चिंता में पड़ जाओगे विचार को छोड़ते जाओ और वहन निर्विचार होने की कोशिश करो जहाँ विचार ही नहीं है या ख्याल ही नहीं है वहाँ पहुँच जाओ तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी आगे सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते ये कंडीशन है सोन लगे उठन लगे बैठन लगे खाने लगे पीने लगे कुछ भी करने लगे क्या कहो गुरु को अपने पास समझो गुरु तुम्हारे पास है पढ़ो पढ़ो सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते गुरु को अपने पास समझो परिचय का परमान हो देख लो गुरु तो दाता कहते हैं गुरु तो तुम्हारे साथ है खाना मैं कहता हूँ खाना खाने लगे उसको याद कर लो खा लिया उसका शुक्र कर लो सोने लगो उसको याद करके सो जाओ उठो उसको याद करके फिर कहो धन्यवाद दाता बड़ी गहरी नींद आई आपकी बड़ी कृपा हुई मेरे को नया जन्म मिल गया क्या कहा मैंने हर काम में गुरु को आगे कर लो बस कोई भी करना है कुछ भी करना है गुरु को आगे रखो तुम्हें कभी जिंदगी में कोई निराशा नहीं आएगी हमेशा उसको अपने पास समझो कब है वो है और तुम्हारे घट में है तुम्हें गाइड कर रहा है तुम्हें बता रहा है कि ये नहीं करना ये करना है आगे चलो कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती दादा कहता है कौन सी मुसीबत है कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती सब कुछ टलता है गारंटी है कब जब तुम गुरु की आस्था रखते हो और कोई आस्था नहीं बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो ले गुरु की शरणाई जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो जो सुनो उनको विचारो जो विचारो वे गुणों गुणों का मतलब उस पर चलना है क्या कहा मैंने तो संत हमें कैसे समझाते हैं फिर भी हमें समझ नहीं आती इतना काल और माया का इतना जोर है कि हम भटक जाते हैं जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि गुरु मेरा है मैं उसका हूँ मेरा और कोई दुनिया में नहीं है तू ही मेरा पिता तू ही मेरा माता तू ही मेरा बंधव तू ही मेरा भ्राता फिर काम बन जाएगा आगे नाम है हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो नाम तो एक ऐसी चीज है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो लिख दिया सर्व रोग का औखद नाम सारे रोगों का दवाई नाम है और बताओ क्या कहूँ मैं आपको इससे परे और क्या संत कहेंगे तो नाम तो हम सिमरन नहीं करते नाम को हम पहचानते नहीं हम भटक जाते हैं हम दूसरों का सहारा लेना चाहते परमदयाल जी महाराज ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है लिखा है हर सत्संग में लास्ट जितने सत्संग दिए उन्होंने लिख कहा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है
जब कोई कष्ट आए, कोई मुसीबत आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे तुम्हें बेचैनी पैदा हो, अपने कमरे में जाओ, आंखें बंद करके सच्चे होकर उससे मांगो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लो, सच्चे होकर मांगो। वो घंटी बजाने से नहीं मांगेगा, नहीं, वो दिया जलाने से भी नहीं सुनेगा। वो शरीर की बात है, शरीर की पूजा मन की पूजा ही, अंदर से जाकर उसको याद करना वो परम तत्व की पूजा है। क्या कहा मैंने? इसलिए क्या कहा, नाम को पहचानना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ और आंखें बंद करके सच्चे होकर उससे मांगो, वो तुम्हारी आवाज़ वहाँ पहुँच जाएगी और तुम्हारी आपत्ति, तुम्हारी मुसीबत का हल आ जाएगा। आगे, राधा स्वामी की दया से जब शरण तुझको मिली, राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली, कुछ दिनों अभ्यास पीछे जीते जी निर्वाण हो। दाता जी ने कहा, अरे जब तुम्हें गुरु की शरण मिल गई है तो फिर क्या करो, हर रोज अभ्यास करो। अभ्यास साधन, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, डेढ़ घंटा बैठ जाओ, तुम्हारा जितना दिल लगेगा उतनी समाधि गहरी होती जाएगी। क्या कहा मैंने? और फिर वो कहते हैं जीते जी निर्वाण मिलेगा, जीते जी। मरने के बाद कौन कहते कि मुक्ति हो गई? मरने के बाद मुक्ति नहीं, मुक्ति जीते जी हो गई। ये कबीर साहब ने भी कहा, दाता दयाल भी कहते, इस दुनिया में रहते हुए हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, और मुक्ति कब है, जब हम मन के लेवल से ऊपर निकल जाते हैं, वो निर्वाण है। और मोक्ष कब है, जब हम शरीर मन आत्मा से भी परे। परमदयाल जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि प्रकाश और शब्द से भी परे रहने वाला मैं हूँ। अब और क्या कहूँ मैं, कितनी ऊंची बात कही। उसको कहते पांचवा पद, और कहा करते थे मैं पांचवें पद से कह रहा हूँ, तुम कहाँ मेरी बात को समझते हो, तुम तो दुनिया के भूखे हो, भिखारी हो, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, लेकिन मुझे दाता ने हुक्म दिया, मैं अपनी ड्यूटी कर चला, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मौज है। ये दाता दयाल कहते हैं कि गुरु को अपने पास समझो। वो होशियारपुर में नहीं है, वो ब्यास में नहीं है, वो डेरे में नहीं है, वो दिल में, दिल में, दिल में, दिल में, दिल में है, दाता दयाल जी महाराज कहते हैं। तो आज 2 शब्दों का मैंने आपसे कहा है, शरण की बात बेटे ने कही है। शरण तब जाओगे जब तुम्हें कोई डिमांड नहीं है, तब मिलेगी शरण। जब कोई डिमांड है तो शरण नहीं है, तो मतलब ही हो, तुम सौदा कर रहे हो गुरु के साथ कि ये मिल जाए तो मैं आपको मानता हूँ, नहीं मिला तो मैं चल जा। है भी यही, किसी आदमी ने महाराज जी को कहा, चिट्ठी लिखी, 1,000 रुपया भेजा। महाराज मैं पता नहीं 1,000 कहा कि 10,000 कहा, मुझे भूल गया। महाराज जी मुझे ठीक कर दो, मैं आपको इतने पैसे भेज रहा हूँ। पैसे आ गए, महाराज जी ने उसको पत्र लिखा कि मैं इस बात का ठेका नहीं किसी का लेता कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा, मेरे पास ये शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा, तेरा पैसा तेरे नाम पर डाकखाने में जमा कर दिया गया है, हाँ उसका ब्याज अगर चाहो तो मंदिर को दे दूंगा, बाकी तुम अपना पैसा वापस ले लेना। वो मर गया, उसकी पत्नी को पैसा वापस किया गया। क्या कहा मैंने, गुरु ठेका नहीं करता, गुरु कभी नहीं कहता कि ये मैं करूँगा, पैसा दे दो ना, यहाँ प्यार है। स्वामी जी ने क्या कहा, तुम क्या करो, श्रद्धा और विश्वास को पालो। श्रद्धा नहीं है,
सिर्फ इच्छा है कि ये काम हो जाए तो श्रद्धा कहाँ हुई? श्रद्धा तो तब होगी जब कोई डिमांड ही नहीं है और दौड़े आए हो कि कोई नया शब्द मिल जाए, आज कोई नई चीज मिल जाए, और वो मिलेगी। अगर दुनिया के लिए आओगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, दुनिया तुम्हारे कर्म से मिलेगी, दुनिया तुम्हारी नीयत से मिलेगी, दुनिया तुम्हारे मन और बुद्धि से मिलेगी, और वो मन और बुद्धि से अगली बात है। क्या कहा मैंने? इसलिए दोनों बातों को समझने की कोशिश करो। यहाँ ज़्यादा संगत की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सौदे के दुनिया में गाहक ही नहीं है। हमारे पास डोरी पीटने वाले कोई नहीं है। कहते डोरी पीटो, वहाँ जाकर मानवता मंदिर में चलो, वहाँ ये हो जाता है, वहाँ ये हो जाता है। ये ढंडोरा नहीं है। जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे ना आए। मेरी बात समझ गए? आप सुखी रहो, आप आते हैं, मालिक आपको शरीर तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, घरों में शांति हो और प्रेम से जियो। जितना हो सकता किसी की मदद करो, नहीं तो कुछ नहीं करना, अपने आप की मदद करो। सबको प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।